तो आज हम बताएंगे काजल कैसे बनाते हैं और बटन कैसे लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस चीज़ पर लगाने हैं हमें बटन। तो देखिए, हमने ये पट्टी तैयार कर ली है फोल्ड करके। आपको भी ऐसी बनानी है पट्टी ताकि उस पर सही से काज बना सकें। ये हमारी सुई और ये धागा। ये हमने सफ़ेद धागा इसलिए लिया है कि इस पे नीले पे सफ़ेद धागा नज़र आए सही तरह काज कैसे बना है। नहीं तो हम मैचिंग धागे से भी बना सकते हैं सीखने के लिए, मगर दूसरे धागे से काज बनाने में हमें आसानी होगी अपनी काज की सफाई देखने के लिए। ये हमारी पट्टी तैयार है और अब हमें इसमें धागा डालना है। धागा ज़्यादा बड़ा ना डाले, छोटा ही डाले, इलच जाता है धागा। डबल धागा करके डालना है सुई में। काज डबल धागे से ही बनता है। तो देखिए धागा डल चुका है, डबल धागा। और अब हमें पट्टी पे ऐसे करके निशान लगाना है। आप जितने काज बनाओ उतने निशान लगा लेने हैं। वैसे तो दो तीन काज बनाने में ही सफाई आ जाती है हाथ में। अगर आपको ये अंदाज़ा ना हो काज कितना बड़ा काटना है तो बटन रख लीजिए पास में और बटन इसके अंदर ऐसे करके देख लीजिए तो काज हमारा सही है। सबसे पहले हमें यहाँ टाका निकालना है और इसमें से डाल देना है। फिर हमें ऐसे इसकी बराबर में निकालना है टाका। और अब हम ये फंदा लगा देंगे इसमें। छोटे बच्चों की ड्रेस बनानी है ना, तो इसलिए काज बनाने पड़ेंगे उसमें फ्रॉक में। तो काज सीखने बहुत ज़रूरी है। तो छोटे बच्चों के कुर्ते, फ्रॉक, कमीज, सब चीज़ में काज बटन होते हैं पीछे।
फॉल्स हमारा बन चुका है, अब हम टाके लगाएंगे इसको। अब हमें नीचे लाके इसमें पक्का कर देना। देखिए हमारा काज तैयार है, अब हम बटन लगाना बताएं। बटन लगाने के लिए हमें धागा चार तह में करना है, इस धागे में फिक्सार करके ऐसे नीचे फंदा लगा लें। देखिए ये हमने बटन रख दिया, ऐसे बटन रखना है और ऐसे इसमें धागा निकालना है। ऐसे भी लगा सकते हो बटन और इसमें से इधर से इधर भी। ऐसे डालने से और मजबूत हो जाता है बटन। हम इसे नीचे पक्का कर दें।